अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर किंग ने क्या किया? ही इश्यूड एन ऑर्डर, ही इश्यूड एन प्रोक्लेमेंट, अनाउंसमेंट, कमांड, उसने एक नोटिस जारी कर दिया दैट नो वन एक्सेप्ट हिम इज अलाउड टू हंट टाइगर्स इन द किंगडम। उसके अलावा कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता, पोच नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता। इससे क्या होगा कि सिर्फ उसी को अथॉरिटी रहेगी, उसी को राइट रहेगा टू किल द टाइगर्स इन हिज किंगडम। उस टाइगर हंट के मिशन में उसने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का, बहुत सारे हर्डल्स का, बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स का सामना किया, डिफिकल्टीज का सामना किया। ही वॉज इन ग्रेव डेंजर, ही वॉज इन फेटल डेंजर, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ मेनी अ टाइम्स, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता था कि उसको टाइगर को अपने बेयर हैंड से, अपने नंगे हाथों से भी लड़ना पड़ता था। बट स्टिल द महाराजा वॉज विक्टोरियस, ही यूज टू विन द फाइट। अब एक जो स्टोरी आ रही है वो आज की एक्सप्लेनेशन में, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं हम, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। आई गेस हमने इसके 3-4 लाइन्स पढ़े थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ये हमने देखा था कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसने प्रतिबंधपुरम को विजिट किया। और थॉट ऑफ द डे, ओके थॉट ऑफ द डे, लेट्स सी। या वेक अप विद डिटर्मिनेशन, यू शुड वेक अप, यू शुड स्टार्ट योर मॉर्निंग, यू शुड स्टार्ट योर डे विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सैटिस्फैक्शन। ऑफकोर्स अगर आप डिटरमाइंड होके उठते हैं कि आज मैं ये काम जरूर करूंगा, आई विल अकम्प्लिश दिस टास्क, आई विल अकम्प्लिश दिस गोल, देन एट द एंड ऑफ द डे हेलो गाइस, आई एम बैक। ऑलराइट, तो अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। उस ब्रिटिश ऑफिसर को किस बात का शौक था, किस बात का उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट था, हॉबी थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ किलिंग टाइगर्स, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसकी ये आदत थी, उसका थॉट ऑफ द डे हो गया ना कि वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो बेड विद सैटिस्फैक्शन। इफ यू आर वेकिंग अप विद डिटर्मिनेशन, विद अ डेडिकेशन इन योर माइंड, विद विद अ स्टबर्नेस इन योर माइंड कि मुझे ये काम 100% अकम्प्लिश करना है, देन एट द एंड ऑफ द डे वेन यू एक्चुअली अकम्प्लिश दैट थिंग, देन यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी कंटेंटेड, यू आर सैशिएटेड, यू आर सैटिस्फाइड, आप फुलफिल्ड महसूस करते हैं। सर यू आर नॉट ऑडिबल। पुनित, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। 51 पार्टिसिपेंट्स हैं, 51 पार्टिसिपेंट्स कैन हियर मी, आप ही एक एक्सेप्शन है। कल भी आप ही के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम थी, ट्राई चेंजिंग द डिवाइस और ट्राई डूइंग समथिंग एल्स। आपका सेटिंग चेंज करो या जिसको जूम का नॉलेज है उसको रेफर करो। मैंने आपको कल बोला था कि आपके वीडियो और ऑडियो कनेक्टिविटी को चेक कर लेना सेटिंग्स में जाकर, बिकॉज दिस इज नॉट माई इश्यू फ्रॉम माई एंड। ऐसा तो है नहीं मैंने पुनित के लिए ऑडियो बंद कर दिया। चलो, तो द ब्रिटिश ऑफिसर, दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको टाइगर हंटिंग का शौक था। ही डज नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ही इज जस्ट अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर।
उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे एंड ही वॉज ऑन इलीट पोस्ट, इलीट डेजिग्नेशन, काफी हाई रैंकिंग था, काफी पहुंच वाला था, स्टेटस वाला था. तो ही केम एंड ही वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी फोटोग्राफ्ड, आई वॉन्ट टू बी फोटोग्राफ. उसका ये था कि मुझे टाइगर को हंट करना पसंद है और मुझे टाइगर के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाना पसंद है, ऑफकोर्स डेड टाइगर के साथ में जिसको उसने शूट किया है. दैट टाइगर, द कॉर्प्स और द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर, उसके साथ मुझे फोटो क्लिक करना पसंद है. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. उसने अपनी डिजायर, अपनी विश, अपनी विल एक्सप्रेस की टू शूट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, ही वॉज फर्म, वो जिद्दी था. हमने इसके वर्ड्स भी देखे थे, ही वॉज एडमेंट, ही वॉज स्टबर्न, ही वॉज ऑब्स्टिनेट. वो अपने रिजॉल्व पर, अपने प्रॉमिस पर, अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने प्लेज पर ही वॉज वेरी एडमेंट, स्टेबल. वो अपनी प्रतिज्ञा से हिलने वाला नहीं था. ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया कि आप प्रतिबंधपुरम में टाइगर को शूट नहीं कर सकते हो. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, टाइगर किंग ने बोला कि मैं आपके लिए कोई भी दूसरा हंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवा दूंगा. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट. बोर इज यूजुअली रेफर्ड टू वाइल्ड पिग, जो वाइल्ड पिग होते हैं उनके लिए बोर को यूज किया जाता है. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, अगर आपको माउस को हंट करना है फिर भी मैं करवा दूंगा. वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट, अगेन ह्यूमरस साइड, यहाँ ह्यूमर की बात कही गई है, यहाँ कॉमेडी क्रिएट किया गया है. वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल. आपको अगर वाइल्ड पिग को हंट करना है, किसी माउस को हंट करना है, आपको अगर किसी मस्कीटो को हंट करना है, वी कैन ऑर्गेनाइज दैट, वी कैन ऑर्गेनाइज दैट, बट टाइगर हंट इज नॉट पॉसिबल इन माय किंगडम. और क्यों नहीं पॉसिबल था जल्दी से बताओ, why tiger hunt is not possible? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, why was tiger hunt not possible? To complete his goal of killing 100 tigers, he banned the hunt of tiger. Because the tiger king banned the hunting of tiger. Exactly. Usne tiger hunt ban kar diya so that he can accomplish his goal of killing 100 tigers. Usko khud ko akele ko 100 tigers ko marna tha. Yes, to defy his death. Very good, very good. As tiger king had banned the... Yes, yes, yes. Very good, very good. Everyone very good. So the British officer's secretary... तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने क्या काम किया, सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान. सी दिस दीवान इज यूजुअली द मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर और द क्लोज मिनिस्टर ऑफ द किंग इज कॉल्ड दीवान. तो उस दीवान के थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर थ्रू द दीवान सेंट दिस इंफॉर्मेशन और सेंट दिस मैसेज फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर to the tiger king that the Durai himself did not have to kill the tiger. Durai is actually a Tamil word for an officer, Tamil word for officer. To explain the meaning of fonder, fond is an adjective which means interested hona. Fonder uska comparative degree hai, aapne degrees padhi hongi, fond, fonder, fondest. The founder is more interested. So he was interested in hunting of tigers, but he was more interested in clicking the pictures, in clicking the photograph with the dead body of tigers. I hope you got it, Naman. Let's come back to this. So secretary ne bola ki the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass, again, dead body. So, secretary ne bola, it is not necessary.
इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द ऑफिसर मस्ट किल द टाइगर. अगर महाराजा चाहते हैं, इफ महाराजा डिजायर्स, इफ महाराजा विशेस, ही कैन किल द टाइगर हिमसेल्फ. हमारे लिए तो क्या बात ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नोटिस वर्दी है, दैट द ड्यूराई मस्ट हैव अ फोटोग्राफ विद होल्डिंग अ गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस. ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्रेफरेंस किसको है दैट द ऑफिसर मस्ट क्लिक अ पिक्चर, मस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ, मस्ट क्लिक एन इमेज ऑफ हिम स्टैंडिंग विद होल्डिंग अ गन एंड ओवर द टाइगर्स डेड बॉडी. उस टाइगर की डेड बॉडी के ऊपर वो गन तान के खड़े हो, ऐसी पिक्चर सिर्फ उनको चाहिए. अगर महाराजा चाहते हैं, इफ महाराजा डिजायर्स टू डू सो, महाराजा कैन किल द टाइगर हिमसेल्फ. हम उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, हमें तो सिर्फ टाइगर की बॉडी के साथ में एक पिक्चर फोटोग्राफ चाहिए. दैट वॉज द मैसेज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर टू टाइगर किंग. नाउ लेट्स सी, बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल. महाराजा रिफ्यूज्ड, ही डिड नॉट अलाउ, ही डिड नॉट अग्री टू दिस काइंड ऑफ प्रपोजल. ही सेड इफ ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंटेड, रिलेंटेड के आगे आप लिखना रिट्रीट, या लिखो सरेंडर, या लिखो यील्ड, YELD, यील्ड. अभी अगर मैंने हार मान ली, अगर अभी मैं अपने वचन से पीछे हट गया, अगर अपने हथियार मैंने अभी डाल दिए, इफ ही रिलेंटेड नाउ, महाराजा थॉट कि अगर मैं अभी पीछे हट गया, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स. बाद में क्या होगा जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे टेकिंग द सेम काइंड ऑफ प्रपोजल्स, टेकिंग द सेम काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से विश, कि भाई हमें तो इस तरह से टाइगर हंट करना है, उस तरह से टाइगर हंट करना है. आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल एवरीवन्स विश. आज एक ब्रिटिश ऑफिसर आया है, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा. अगर आज मैंने इस ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ कर दिया फॉर अ फोटोग्राफ विद अ डेड टाइगर, तो कल को ब्रिटिश ऑफिसर आके बोलेगा दूसरा कि मुझे टाइगर हंट करना है, आपने तो उसको तो हंट करने दिया और मुझे हंट नहीं करने दे रहे हैं, तो व्हाट विल आई डू? आई विल बी इन सच अ बिग डिलेमा, आई विल बी सच अ डिफिकल्ट पोजिशन. सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ फ्यूचर डिफिकल्टीज, द महाराजा स्ट्रेट अवे रिफ्यूज टू अलाउ द ब्रिटिश ऑफिसर टू गो फॉर अ टाइगर हंट और इवन क्लिक अ फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी ऑफ टाइगर. समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो. यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. क्लियर है? सब बच्चों का आना चाहिए क्लियर लिखा हुआ. प्लीज अगेन एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम रिलेंटेड. ओके, but the maharaja would not agree to this proposal. Of course he could not agree. Why? Because if he relented now, relented matlab haar maan lena, to yield, to surrender, to retreat, to renege, apne vachan se wapas mud jana, usko renege bolte hain. Relented matlab haar maan lena ya piche hat jana, ya aap apne vachan se mukkar jate ho, that is relenting. तो इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर उसने अभी बोल दिया, इस ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ कर दिया, तो आप इमेजिन करो ये ब्रिटिश ऑफिसर है, ठीक है, ये जाके इसने टाइगर की डेड बॉडी के साथ में पिक्चर क्लिक करवा दिया, ये टाइगर की डेड बॉडी के साथ में उसने पिक्चर क्लिक करवा दिया, ये बाहर जाके तो यही बोलेगा ना कि ये पिक्चर मेरा है, इस पिक्चर में डेड टाइगर जो है उसको मैंने हंट किया है, मैंने मारा है, और ये पिक्चर प्रतिबंधपुरम का है. तो जब ये दूसरे ऑफिसर्स को बताएगा और दूसरे ऑफिसर्स प्रतिबंधपुरम में जाएंगे, वो बोलेंगे कि आपने इनको हंट करने दिया, हमें भी हंट करने दो. तो टाइगर किंग तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी में फंस जाएगा. टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ डिफिकल्टी, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, दैट काइंड ऑफ डिलेमा, ही डिड नॉट अलाउ द ब्रिटिश ऑफिसर टू गो फॉर द टाइगर हंट और टू इवन क्लिक अ पिक्चर और अ फोटोग्राफ. दिव्यांश, आई गेस दिस इज क्लियर नाउ. अब आपको क्लियर हो गया होगा. यस, ओके, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. द
The Maharaj, because he prevented a British officer from fulfilling his desire, just because the British officer could not get to click a picture or could not hunt a tiger, the Maharaja stood in a danger of losing his kingdom itself. Obviously, British officer must have threatened him. Usko threaten kiya hoga ki ab dekho, you did not fulfill my wish. You did not fulfill my desire. You did not let me accomplish my goal. Now you will lose your kingdom. Now you will have to pay a big price for this. You will have to compensate me in the form of your kingdom. Mujhe ab tumhara rajy chahiye. Aur us time pe British officers ki pahunch bahut hoti thi. And of course, British officers were ruling the our country, our nation. And that is why Maharaja stood in danger of losing his kingdom. This also tells us that scenario before independence was so pathetic, was so grave, so miserable, that even the actual owners of the kingdom were bootlickers of British officers. Ek word aata hai, bootlickers. किसी के तलवे चाटना, मतलब किसी को इम्प्रेस करना अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए. बूटलिकर्स, सिकोफैंट बोलते हैं, एक वर्ड आता है सिकोफैंट, सिकोफैंट्स मतलब जो चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, लोगों के प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बटरिंग करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं. फ्लैटर करना, बटरिंग इज नॉट अ वर्ड, फ्लैटर इज वर्ड. बटरिंग हमने खुद बना दिया मक्खन लगाने से डिराइव करके. सो महाराजा जो है, ही वॉज अबाउट टू लूज हिज किंगडम. तो वॉट हैपेंड, द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिबरेशंस. डेलिबरेशन, डिस्कशंस, डिस्कशंस ओवर दिस इश्यू. एज अ रिजल्ट, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड. डिस्पैच्ड मतलब सेंट. A telegram was sent forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond rings of different designs. Ab kya kiya? Maharaja ne chintan manan kiya, unhone discussion kiya, unhone meetings bulai, apni sabha bulai, aur unhone apne diwan ke saath discussion karke ek achhi si trick nikali. Usne socha ki I have to impress this British officer. Isko maine टाइगर हंट के लिए मना करके बहुत बड़ी मिस्टेक की है, एंड आई हैव टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, आई हैव टू अमेंड दिस मिस्टेक, आई हैव टू डू समथिंग सो दैट दिस ब्रिटिश ऑफिसर कम्स इन माय फेवर, ही टेक्स माय साइड, ही डज नॉट गो अगेंस्ट मी. तो उसने क्या किया, उसने एक ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को जो कैलकटा में सिचुएटेड थी, उसको एक लेटर लिखा, उसको एक टेलीग्राम भेजा, और उस टेलीग्राम में क्या लिखा हुआ था, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस. उन्होंने बोला कि आप अलग अलग डिजाइंस के डायमंड रिंग्स के सैंपल्स हमें भेजिए. सैंपल्स और एक्चुअल प्रोडक्ट में फर्क होता है. सैंपल्स आपको 10 भेजते हैं, उन 10 में से आप 1 or 2 पीसेस, 2 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो. आप 10 और 10 नहीं रख सकते हो, आपको बचे हुए 8 पीसेस जो है वो रिटर्न करने होते हैं. दैट इज हाउ सैंपल वर्क्स, राइट. तो सम 50 रिंग्स अराइव्ड. वहां की ब्रिटिश कंपनी ने, ज्वेलरी ने वहां से 50 रिंग्स को डिस्पैच किया. कैलकटा से प्रतिबंधपुरम 50 रिंग्स आ गई. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. गुड लेडी मीन्स वाइफ, बेटर हाफ बोल सकते हैं, पार्टनर बोल सकते हैं, स्पाउस बोल सकते हैं, वाइफ तो बोल ही सकते हैं. ऑफकोर्स द किंग ने सोचा, ब्रिटिश ऑफिसर बुरा मान चुका है, he is angry with me, he is against me, he his what we can say, favor is not in my side, so what should I do? I should try to impress his wife. Uski wife ko main khush karunga, uski wife ko main expensive diamond ring dunga, to ho sakta hai wo British officer jo hai wo khush ho jaye. To kya hua, the king and the minister expected the Durai Saini. Here Durai Saini means the wife of the British officer. Wife of the British officer. Ye jo likha hua hai, wife of the British officer. Ye kya ho raha hai? Mm-hmm.
उसकी वाइफ को भेजा एंड दे एक्सपेक्टेड टू चूज वन और टू रिंग्स. उसको 50 डायमंड रिंग्स भेजा, 50 डायमंड रिंग्स भेजा कि उसमें से वो एक या दो चूज कर लेंगे एंड सेंड द रेस्ट बैक. बट ऐसा नहीं हुआ. विद इन नो टाइम एट ऑल दुराईसनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. दुराईसनी ने क्या किया, सारी 50 रिंग्स अपने पास रख ली और उनको क्या बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. आपने मुझे गिफ्ट भेजा, बहुत मेहरबानी हुई आपकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. And she kept all the 50 diamond rings. In 2 days, a bill of 3 lakh rupees came from British jewelers. Ab us time ka 3 lakh rupees will be like 3 crore or 30 crore rupees of today. Us time ka 3 lakh rupees, aap socho 100-150 saal pehle 3 lakh rupees ka kya value hota hoga. So of course, 3 lakh rupees ka bill aa gaya wahan par unke paas mein. And what happened? The 3 lakh rupees bill arrived. Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. Maharaja khush the is baat se ki chalo kya hua, paise hi to lage hain, only 3 lakh rupees have been used, but at least I am able to secure, I am able to safeguard, I am able to keep my kingdom with me again. Retain matlab to keep with yourself, keep with yourself. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि महाराजा ने अपने selfish motives के लिए, भाई 3 लाख रुपए जो गए होंगे वो महाराजा ने तो कहीं से पैसे नहीं कमाए ना, it was from the royal treasury, from the royal treasury the money or the amount of money which Maharaja had to pay to the jeweler went from, got vacated from, got compensated from the royal treasury. उस रॉयल ट्रेजरी में से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ जस्ट टू इम्प्रेस दिस दुराईसेनी, जस्ट टू इम्प्रेस द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, सो दैट द महाराजा डज नॉट हैव टू लूज द किंगडम. अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उसने वो टाइगर हंटिंग बैन कर दी. फिर टाइगर हंटिंग बैन करके उसने ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ नहीं किया. ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए उसने 50 डायमंड रिंग्स का गिफ्ट दे दिया. So all these things are happening so that Maharaja can defy his death, can escape his death, can avoid or ignore his death. और ये महाराजा का self-centeredness है. तो आज का question note करो, आज का question note करो, how was Maharaja, मैं कहीं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर space होती है, I will write it down over here, let's see. Yeah, here it is. Sorry. How did Maharaja almost lose his kingdom? Because of ban on tiger hunt. This is the question. This is the question. What is the meaning of forthwith? Forthwith matlab from now on. Ab se. अब से जिसको हम बोलते हैं दैट इज फोर्थविथ. नार्सिसिस्टिक नेचर, एग्जैक्टली चिराग, उसका नार्सिसिस्टिक नेचर था. दिव्यांश बोल रहे हैं सर बट द ट्रेजर इन रॉयल ट्रेजरी इज वन बाय महाराजा हिमसेल्फ बाय विनिंग बैटल्स. दिव्यांश आपको पता हो हमने कल परसों पढ़ा था दैट महाराजा ने अपने सारे दूसरे मैटर्स को साइड में रख दिया. वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर हंट के मिशन पर ध्यान देने लगे. तो उन्होंने एक्चुअल में कोई बैटल जीता ही नहीं, एक्चुअल में कोई बैटल जीता ही नहीं. और वो जो बैटल जीत के आ भी रहे हैं तो रॉयल ट्रेजरी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. अभी गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय दैट टैक्स, गवर्नमेंट शुड यूज दैट टैक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक. अब वो अपने लिए कोई विमान खरीद रहा है या अपने लिए कोई ट्रिप पे जा रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग.
अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरे करने के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज करते हैं उस मनी को, लोगों के हार्ड अर्न टैक्स मनी को, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ये आपका है इसमें, दिस इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक लिखना है, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम विद अ डिजायर टू हंट द टाइगर्स. ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड मोर इंटरेस्टेड इन क्लिकिंग पिक्चर्स विद द कार्कस और द कॉप्स और द कैडावर ऑफ द टाइगर और द वाइल्ड बीस्ट. When they asked the permission of of killing tigers from the Maharaja of Pratibandhpuram, the Maharaja straight away refused or rejected such a proposal because he did not want anyone else to kill the tigers except him. Even though the British officer told him that the actual killing can be done by the Maharaja himself, and he only wanted to click a picture with the dead body, Maharaja did not address that request as well. Address that request मतलब उस request को भी उन्होंने fulfill नहीं किया. He did not fulfill that request as well. Just because he disappointed or he upset a British officer, the Maharaja fell into a danger of losing his kingdom. He thought that since now the British officer is upset or disappointed or dejected by him, with him, he will have to pay a very big price. He wanted to avoid such an unfortunate situation, so he tried to impress the wife of the British officer. He ordered some samples of diamond ring from Calcutta so that he can gift one or two rings to the British officer's wife. When they sent the sample of 50 rings to the British officer's wife, she kept all the rings with herself and sent a thank you letter. Even though the bill of such diamond rings were 3 lakh rupees, the Maharaja of Pratibandhpuram was quite happy that he did not lose his kingdom, and the cost of not losing was the kingdom was just only 3 lakh rupees. इस तरह से आपको आंसर लिखना है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है. इसमें आप अपनी तरफ से वोकैबलरी जो मैंने आगे पीछे बताई हो वो ऐड कर सकते हो, अपनी तरफ से आपको जो वर्ड्स अच्छे लगते हैं वो ऐड कर सकते हो, बट एटलीस्ट वन पेज और 80% ऑफ द पेज शुड बी कवर्ड. आज के एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो. एनी डाउट? डाउट है कुछ? नो? ओके. व्हाट अबाउट अदर पीपल? जिसको डाउट है वो बोल सकता है कि सर एक्सप्लेन दिस अगेन और दैट अगेन. नो सर? ओके सर. तो आज का होमवर्क हम कंप्लीट करेंगे. चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? इज द चैप्टर इंटरेस्टिंग और नॉट? यस यस इट इज. काफी इंटरेस्टिंग है, और कम से कम डेरी और मिस्टर लैम वाले चैप्टर से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है. दिस इज जस्ट प्लेनली बोरिंग चैप्टर. दैट वाज मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अभी आगे तो और ज्यादा मजा आएगा, आगे और ज्यादा फनी एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो यू विल लव दिस थिंग, बहुत मजा आएगा. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू टुमारो गाइस. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली. इट्स एंडिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. एग्जैक्टली. अब नंदिनी और महक ने तो एंडिंग भी पढ़ ली है, सो दे नो द एंडिंग, बट हम सब साथ में पढ़ेंगे. Until then, take care. Bye, guys.